आज भारत के राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को मात देते हुए चुनाव जीत लिया है, जिसके बाद ही भाजपा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आज देश में लड्डू बांटे जा रहे हैं, ऐसा ही कुछ पठानकोट में भी देखने को मिला, जहां पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा की अध्यक्षता में शहर में लड्डू बांटे गए। बता दें कि इस संबंधी जानकारी देते हुए भाजपा के पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि आज देश के लोकतंत्र की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि आज सारी दुनिया को पता चल गया कि देश का कोई भी नागरिक जो अच्छे और सच्चे मन से देश की सेवा करता है, वो किसी भी पद के लिए पहुंच सकता है, जिसकी मिसाल है द्रौपदी मुर्मू, जो देश की आदिवासी इलाके की रहने वाली हैं और समाज के लिए उन्होंने कई सारे अच्छे काम किए हैं, जिसके चलते आज उनकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हुई है और उनकी जीत की इस खुशी में पंजाब भाजपा द्वारा लड्डू वितरण किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान दे लोकतंत्र दे अंदर बहुत बड़ा दिल है, दिन है, और पहली गल एक महिला, आदिवासी महिला, गरीब परिवार तो, जिदा पूरा जीवन संघर्षमय ही रहा, हिंदुस्तान दे लोकतंत्र दे सब तो वड्डे पद राष्ट्रपति दे पद दे उते वो निर्वाचित हो के आए ने, इस तो वड्डी खुशी कोई होर नहीं हो सकती। और इहदा संदेश देश ही नहीं दुनिया दे अंदर गया कि हिंदुस्तान दे अंदर लोकतंत्र इतना परिपक्व, इतना रिच और इतना अमीर है कि एक गरीब घर तो निकल के, आदिवासी परिवार तो निकल के, पिछड़े इलाके तो निकल के एक महिला देश के गरमामयी पद तक पुजी है, और यदि खुशी के अंदर पूरा देश अज झूम रहा है। सवेर तो लैके तुझी जिधर देखो खुशियां मनाईया जा रही हैं, और ये बाकियों लिए भी एक प्रेरणा है कि अगर सच्ची निष्ठा के नाल देश के लिए असी काम करते रहने तो कोई भी पद जड़ा दूर नहीं है व्यक्ति तो। और ये नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच का ही नतीजा है। पहला इस तो पहला प्रधानमंत्री बनाया तो एससी समाज तो, उस तो पहला जो NDA के टाइम राष्ट्रपति का चोन हुई तो अब्दुल कलाम, और अज एक आदि मैसा वासी महिला जी है द्रौपदी मुर्मू, वो अज देश के इस गरमामयी पद पर पुजे ने। और मैनू लगता कि महिलावां दे सशक्तिकरण की गल नहीं, महिलावां दा सशक्तिकरण किस तरीके नाल हो सकता है और बाकी महिलावां नू कितना प्रेरणा मिल सकती है, अज NDA दे कैंडीडेट दे रूप च द्रौपदी जी राष्ट्रपति बने ने, ये उहदा ही संकेत है। और इहदे तों ही सब नू समझ आएगी कि हिंदुस्तान दा लोकतंत्र कितना ताकतवर है। अज खुशियां दा दिन है, राष्ट्रपति सारिआं दे है, और मैनू लगता खुशियां दे दिन च खुशियां वालीआं गल्लां करनीआं चाहीदीआं, और राष्ट्रपति दे इस खुशी दे अंदर, देश दी इस खुशी दे अंदर सब नू शामिल होना चाहिए। पहली बार देखा जाए, देखो ये संदेश अपने आप का है कि तुसी कल्पना नहीं कर सकते कि उड़ीसा दे आदिवासी क्षेत्र च जिस महिला ने दो अपना बेटा खो दिता, पति खो दिता, संघर्षमय जीवन रहा और उतों निकल के देश के राष्ट्रपति पद तक पुजे है, ये बाकी सारे चुनावों तो एक अलग तरह का चुनाव से। ये करके देश के हर महिला भी लगता, गरीब आदमी भी लगता, आदिवासी भी अपना प्रतिनिधित्व उच्च दिखता है, इस करके खुशियां का माहौल है। पार्टी तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि इस पार्टी के हर एक जो मौका मिलता। बिल्कुल बिल्कुल, इस गल का प्रतीक है। धन्यवाद।